सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। नीरज चोपड़ा लुसानी डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। देखिए इस रिपोर्ट को। नीरज चोपड़ा बने डायमंड बॉय। खेल जगत में गूंजा नीरज का नाम। चोट से उबरने के बाद की धमाकेदार एंट्री। लुसानी डायमंड लीग मीट का जीता टाइटल। गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर नीरज चोपड़ा आज डायमंड बॉय बन गए हैं। इनकी उपलब्धियों में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार वो खेल जगत में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने चोट से उभरने के बाद बहुत ही धमाकेदार वापसी की। नीरज चोपड़ा ने बीते शुक्रवार को 89.8 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ लुसानी डायमंड लीग मीट का टाइटल जीत लिया है। आपको बता दें, नीरज यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। वहीं इस खिताब में जीत हासिल करने के साथ ही नीरज ने ज्यूरिख में होने वाले डायमंड लीग के फाइनल्स में भी अपनी जगह बना ली है। इतना ही नहीं, नीरज ने हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाले विश्व चैंपियनशिप 2023 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 89.8 मीटर दूर जैवलिन फेंका, जिसे छूना दूसरे खिलाड़ियों के लिए मुश्किल बन गया। इसके बाद नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 85.18 मीटर थ्रो किया। दो सफल प्रयासों के बाद नीरज चोपड़ा ने अपना तीसरा अटेम्प्ट स्किप किया, जिसके बाद फिर नीरज का चौथा प्रयास फाउल करार दे दिया गया। वहीं नीरज ने अपने पांचवें अटेम्प्ट से दूर रहने का फैसला किया। वहीं अपने छठे थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 80.04 मीटर का निशाना लगाया। 89.8 मीटर नीरज चोपड़ा के कैरियर का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। वहीं नीरज के कैरियर का सबसे बेस्ट थ्रो की बात करें तो वह 89.94 मीटर है, जो उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में बनाया था। आपको बता दें कि पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा डायमंड लीग का कोई खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। साथ ही वह डायमंड लीग के फाइनल में भी जगह बनाने वाले पहले भारतीय हैं। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने पिछले महीने विश्व चैंपियनशिप में 88.13 मीटर के थ्रो से ऐतिहासिक रजत पद जीता था। आपको बता दें, उस मुकाबले के दौरान ही नीरज को ग्रोइन इंजरी हो गई थी, जिसके बाद मेडिकल टीम ने नीरज चोपड़ा को 4-5 हफ्ते का आराम की सलाह दी थी, जिसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से हटने का फैसला लिया था। वहीं इंजरी से उबरने के बाद नीरज ने धमाकेदार कमबैक किया। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।